नमस्ते आंटी। हाँ घर में सब ठीक है। हाँ अभी रहूंगी 3-4 दिन। ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रही थी ना कि तुझे पता शुभन मेरा इतना ध्यान रखते हैं ना, बहुत ही ज्यादा। मतलब मेरे बिगर बोले ना मेरी सारी बातें समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों में। यार मैं तेरे बर्थडे पे आने वाली थी, बट उस दिन क्या हो गया ना कि शुभन के साइड के कुछ रिलेटिव आ गए, इस वजह से नहीं आ पाई। बहाने नहीं बना रही, सही बोल रही हूँ बहन। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब तुझे पता चलेगा, अभी नहीं समझेगी तू। अरे नहीं यार, घर में मैं नहीं करती काम, मेरी मदर इन लॉ करती है। अरे वो मुझे करने ही नहीं देती है, सारा काम वो खुद ही करती है। अरे कोई नहीं, वो तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। एक मिनट रुकिए, शुभम का कॉल आ रहा है। हाँ जी। कुछ नहीं, साक्षी आई हुई है, उसी से बात कर रही हूँ। हाँ आप ठीक हैं? अच्छा ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिए। हाँ ओके। तुझे पता मेरे बिना तो ये रह ही नहीं पाते हैं, पता नहीं 3-4 दिन कैसे रहेंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। ओह मैं तुझे अपने सिंगापुर वाली फोटोज नहीं दिखाई ना, ये देख। मैंने ना शुभम से पहले ही बोल दिया था कि हनीमून पर तो हम सिंगापुर ही जाएंगे। ये वाली ड्रेस हाँ मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, अच्छी है ना। पर मैं तुझे कितने दिनों बाद मिली हूँ और तू घर जा रही है, थोड़ी देर और रुक जाना। बल्कि मैं तो कह रही हूँ तू यहीं पे स्टे कर ले आज, मैं बात कर लूंगी ना आंटी से, वो मुझे मना नहीं करेंगी। हाँ फिर हम बहुत मजे करेंगे, वैसे भी मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है।